السلام علیکم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام अल्लाम वरमि वबरक बसमिल्ल वसलाम रसोल्ला नबीना महमदूम वहीमायद आज की इस मजलिस में हम तस्करा करेंगे इमाम नसई इमाम नसई रहमतुल्लाह को आप जानते हैं जो हदीस की छः मशहूर किताबें हैं उनमें से एक किताब के मुसनफ़ और मौलफ़ हैं इमाम नसई रहमतुल्लाह। 215 हिजरी में पैदा हुए यानी नबी अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 204 साल के बाद 215 हिजरी में पैदा हुए और 303 हिजरी में इंतकाल हुआ यानी तकरीबन 88 साल की 88 एट साल की तकरीबन इन्होंने उम्र पाई इमाम नसई इसी नाम से मशहूर हैं नसा जो है ये एक शहर है नून सीन और अलिफ़ उस पर हमजा तो ये एक शहर है खुरासान इलाक़े का खुरासान का एक शहर है उसी शहर में इमाम नसई रला पैदा हुए और फिर उसी की तरफ नस्बत करते हुए उसी नाम से वो मशहूर हो गए वैसे उनका असल नाम जो है अहमद है अहमद बिन शुएब अबू अब्दुलरमान उनकी कन्नीत है उनके वालिद का नाम शब तीन सौ पंद्रह हिजरी में इमाम नसई रला पैदा हुए और फिर बड़ी मेहनत है कि हदीस के मैदान में यहाँ वहाँ का बड़ा सफ़र किया उलमा के सामने जो है उलमा की शागिर्दी इख्तियार की बाज़ लोगों ने लिखा है कि इमाम बुखारी रह के शागिर्द हैं और इमाम महमद बिन हम्बल रही के भी शागिर्द हैं इनके ताल्लुक से एक दो बातें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ एहतियात बहुत ज़्यादा किया करते थे किस मामले में दीन की बातों को बयान करने के सिलसिले में दीन की बातों को लोगों के सामने बयान करने के सिलसिले में बड़ी एहतियात किया करते थे एक काजी साहब थे मुहदस भी थे वो उनका नाम था हारिस बिन मस्किन हारिस बिन मस्किन उनका नाम था तो एक मरतबा इमाम नसई रहमल्ला उनके पास आए और जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इमाम नसई रहल्लाह से मिलने से इनकार कर दिया यानी जो काजी साहब थे मुहदस भी थे उनका दर्स हुआ करता था हार्सबिन मिस्कीन का तो उनको ये लगा कि ये बंदा जो आया हुआ इमाम नसई रहल्ला को पहचानते नहीं थे वो तो साहब को ये लगा कि ये जो हैं ये कोई बादशाह का जासूस है बादशाह का जासूस है और वो काज़ी साहब ये नहीं चाहते थे कि उनकी बात या उनकी मजलिस की कोई बात बादशाह तक पहुँचे तो उनको लगा जासूस से तो कहा नहीं तुम दूर रहो अलग रहो हमारी मजलिस में हमारे दरस में मत शामिल हो उन्होंने मना कर दिया इमाम नसी रहे दूर रहे मजलिस में नहीं गए लेकिन ऐसी जगह बैठ गए कि जहां से काज़ी साहब के दरस में होने वाली बातों की आवाज़ इनके कानों तक पहुंच रही थी और जो भी बातें उन्होंने इस तरीके से काजी हारिस बिन मस्किन से सुना उसको कैसे बयान किया आप जानते हैं जब मैं आपके सामने कोई बात बयान करूँ या जब मुहदसिन रिवायत करते थे जैसे इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से सुना तो वो कहेंगे अल बुखारी हद दसन अल बुखारी कि हमसे बुखारी ने बयान किया हमसे जो है फ़लाँ ने बयान किया हमसे फ़लाँ ने बयान किया इन्होंने सुना तो हारिस बिन मस्किन से लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा कि हमसे बयान किया क्यों इसलिए कि मजलिस में तो शामिल नहीं थे दर्श में शामिल नहीं थे दूर से सुन रहे थे तो क्या कहते हैं ही ने कहा और हालत ये थी कि उन पर हदीस पढ़ी जा रही थी और मैं सुन रहा था यानी उन्होंने डायरेक्ट मुझसे यह बात बयान नहीं की है बल्कि मैंने दूर से बैठ करके उनकी बात को सुना है ये एहतियात किया करते थे इमाम नसई रही आज हमारे यहाँ देखें क्या मसला है किसी की बात को सही तरीके से सुना भी नहीं बयान कर दिया फला साहब ने कहा था फला साहब बोल रहे थे फला साहब ऐसा कर रहे थे आज देखे लोगों को इल्म नहीं है, किसी के वास्ते से सुना नहीं है और यहां वहां बयान करते हैं कि फला साहब ने ऐसी बात कही थी फला साहब ने ऐसा फतवा दिया था फला आलिम साहब ने ऐसी बात कही थी ये गलत बात है किसी की तरफ किसी चीज की नस्बत कर देना हालांकि उसने वो बात कही नहीं है या आपने डायरेक्ट सुना नहीं है या जैसा आप बयान कर रहे हैं वैसा आपने नहीं सुना है यह भी खयानत है यह अमानत में खयानत करना है ये भी एक किस्म का झूठ है यह भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाली बात है इसीलिए इमाम नसई रह बड़ी एहतियात किया करते थे और एहतियात की एक मिसाल मैंने जिक्र की कि सुना तो डायरेक्ट है लेकिन मजलिस में शामिल होकर के नहीं सुना इसीलिए बजाय हद या अखबरना कहने के ये कहा हार्नु मस्किन हारसबिन मस्किन ने यह बात या ये मसाला बयान किया ऐसे इमाम नसी रहल्ला की बड़ी खूबी ये थी कि बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे यानी हदीस वगैरह की मजलिसों में तो शामिल ही रहते थे लेकिन साथ ही साथ जो भी मौका मिलता था बड़ी इबादत किया इनके साथ ही इनके इनके साथ उठने बैठने वाले ये तमाम लोग इनकी इस बात की वजह से बड़ी तारीफ किया करते थे कि इमाम नसी बहुत ज्यादा इबादत करते हैं बहुत ज्यादा चाहे दिन में मौका मिल जाए रात में मौका मिल जाए अल्लाह के इबादत में अपने आप को लगा दिया करते थे मशहूर जो मार्ख हैं इबन खान बयान करते हैं फरमाते का नसूम यौमन व यौमन एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन बिना रोज़े के रहते थे जिसे सौमे दाऊदी कहा जाता है जिसे सौमे दाऊदी कहा जाता है एक दिन रोजा रखना एक दिन बिना रोजे के रहना यह इमाम नसई रहल्ला का तरीक़ा था और इमाम नसई रहमोल्ला इस तरीके को इख्तियार करते थे उनकी एक नुमाया खूबी एक बेहतरीन खूबी उनके अंदर यह भी थी कि सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश किया करते थे जहां देखते थे कि यहां यह फला सुन्नत इस समाज में नहीं पाई जा रही यहां के लोगों में नहीं पाई जा रही या कहीं सफर करके जा रहे हैं देखते थे कि सफर के लोगों में फला सुन्नत मौजूद नहीं है जो सफर की सुन्नत या इससे मुतिक चीजों की सुन्नत हो सकती है उनको बयान कर देते थे बताते थे और लोगों को कहते थे सुन्नत को जिंदा करो ऐसे ही बास दफा बादशाह के साथ जि जि जिहाद में मैदान जिहाद में गए और वहां पर भी उन्होंने सुन्नत को जिंदा करने की बड़ी कोशिश की मैदान जिहाद में गए लड़े भी और वहां पर सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश में लगे रहे तो हमारा भी यही तरीका होना चाहिए अगर हमारे घर में हमारे बच्चों के दरमियान हमारे आस पास के लोगों के दरमियान उठने बैठने वालों के दरमियान अगर कोई सुन्नत वो छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं हालांकि आसानी से अमल कर सकते हैं लेकिन फिर भी छोड़ रहे हैं हमें चाहिए कि हम उस सुन्नत अमल को बताएं कि साहब ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए और अगर कहीं कोई सुन्नत जो है मुर्दा है लोग अमल नहीं कर रहे हैं उस सुन्नत को हमें जिंदा करने की कोशिश करना चाहिए ये इमाम नसई रह की एक नुमाया खूबी थी उन्होंने एक किताब लिखी हदीस की आप जानते हैं जिसे सुन नसई कहा जाता है जो हदीस की छह मशहूर किताबों में से एक किताब है और आज तक इमाम नसई रह को उनके इस अजीम अमल की वजह से अल्लाह की तरफ से सवाब मिल रहा है है, मदारिस में मसाजिद में यह किताब पढ़ाई जाती है और तलबा यह किताब हदीस की किताब पढ़ते हैं उनको भी सवाब मिल रहा है इमाम को भी सवाब मिल रहा है तेरह सफर तीन सौ तीन हिजरी को पीर के दिन इमाम नसी रहल्ला अठासी साल की उम्र में उनका इंतक़ाल हुआ हम और आपको इन तमाम मुहदसिन की सीरत से उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए दीन की बात हो एहतियात करें सुन्नत की बात हो अमल करने की कोशिश करें जहाँ कहीं जैसे मौका मिले अपने आप को इबादत में जिक्र में लगाने की कोशिश करें यही एक मुसमान की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह रबुलामी से दुआ है अल्लाह हम सभी को सही बातों को अख्तियार करने और बुरी बातों से दूर रहने की तोफ़ी कता फ़रमाए आमी ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज आरोप किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हुसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक